करवाने का। मैं सभी सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो जो सुन रहे हैं, जिन जिन्होंने मुकदमा करवाया, ओम जी मुंडेल पे मुकदमा हटा लीजिए, हटा लीजिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार, फिर ये आपके लिए घाटा हो सकता है। हम ये गायों की सेवा कर रहे हैं तो इनके इनके इनकी वजह से हम लोग घटिया काम कर रहे हैं। हम तो कोई दारू नहीं पी रहे मंच पे जाके, हम कोई मतलब ड्रिंक नहीं लगा रहे हैं, हम कोई इसमें पी के या किसी की घर चैन नहीं लूट रहे हैं, किसी की माँ की गहना नहीं लूट रहे हैं, जिस प्रकार आप झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ बार बार उनसे, जिन जिन्होंने मुकदमे झूठे लगाए हैं, होटल आगे से उन पे कोई विचार विमर्श कीजिए। अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाइए कि जिस प्रकार वो निस्वार्थ भान से काम कर रहा है, आप उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहे हो। क्यों करवा रहे हो आप? वजह क्या आपकी? अब वजह क्या है, क्या वजह हो सकती है आपकी? बैठे बैठे एक दूसरे के ताश खेल रहे हो, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, ये क्या रही है बच्चा है? ये क्या है? आपको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, इंसान बना के भेजा, इंसानियत रखो ना जिंदी, अपने खून के अंदर असली माँ का खून रखो ना, इंसानियत रखो धरती पे, ताकि इस धरती का इस विश्व का कल्याण होगा, उद्धार होगा। और आप यही बात सोचो ना, जिस प्रकार लूटे हो रही है, जिस प्रकार माँ की चैन छू ले, जिस प्रकार माओं के बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो इस पाप की वजह से हो रहा है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो सोच, उनके विचार इतने कमजोर हो चुके हैं। मैं कहता हूँ, कार्य करता हूँ, लोग मेरे बारे में हजार लोग बोलते हैं, वो ऐसा है यार, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दो तीन दिन पहले एक इंसान ने कमेंट मारा था कि तू लोगों को इतना बिगाड़ चुका है, इतना बर्बाद कर चुका है। मैंने कभी किसी को बर्बाद करने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं बर्बाद करता ना, वहाँ को नशा करवाता, वहाँ इसमें पिलाता, उनके साथ जाके किसी माँ और बहन को छेड़छाड़ करता, उनकी माँ का गहना चोरता, किसी के घर में जाके चोरी करता है। क्यों किसी की बुराई करते हो? मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप, मैं ताली बजा रहा हूँ आपके लिए, आप ये कार्य करते रहो, चुगली दुनिया के लिए करते रहो, आप वहाँ तक ही सीमित रहोगे। कोई इंसान आगे बढ़ रहा है ना, तो वो उसके पीछे पीछे रहेगा ना, इसको गिराना गिराना, तो वो गिरता रहेगा, वो तो आगे बढ़ता है, अपने रास्ते चल रहा है। जो गिराने वाला लगा है ना, उसका समय बर्बाद हो रहा है, उसका वक्त बर्बाद हो रहा है, वो गिरते जा रहा है, वो नहीं गिरेगा, वो तो अपने कार्य पे, उसका तो मंजिल अलग है। जिसकी मंजिल है गिराने की, तो इसकी मंजिल है गिराने की, उसकी मंजिल अच्छा कार्य करने का, तो वो अच्छा कार्य करता रहेगा, और इसकी मंजिल है गिराने की, तो अपना जहाँ है उसे गिरता रहेगा, गिरेगा वो जो जिसको दूसरे को गिराने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार मैं कहता हूँ, 302 का हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था, तो जिन लोगों ने हमें गिराने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने हमें कहा था कि ये मर्डर का झूठा मुकदमा लगवा देते हैं, मैं ये गौशाला में खड़ा हूँ, आज मेरी ये गायें खड़ी है, मैं गौशाला में खड़ा हूँ। मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि उस मुकदमे के अंदर 302 के अंदर मेरा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी ऊपर मेरे ऊपर जिन लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे, वो आज फोन करके बोल रहे हमें माफ़ कीजिए, और थोड़े दिन में बोल देंगे उनको माफ़। देख लेना, ये सामाजिकता होगी और उनके लिए माफ़ वाला क्या सिस्टम होगा। या तो मेरी, मैं कहता हूँ, जिन लोगों का कार्य है किसी को गिराने का, वो करते रहेंगे, करने दो उनको, वो तो कल ने कुछ करेंगे। जो गिराने की सोच रहे हैं, वो अपने माँ बाप, अपने गरीबों की, अपने गौ माताओं की सेवा कभी नहीं कर सकते, उनका कार्य करने दो। और मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ फिर से कि यहाँ ये मेरी छोटी सी गौशाला है, ये आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से है, ये मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे दोस्तों के आशीर्वाद से, ये आसपास के जो लोग रहते हैं, मेरे आस पड़ोसी हैं, उनके आशीर्वाद से, उनका साथ है, उनका सहयोग है। और जो मेरे दोस्त हैं दूर दूर से, राजस्थान के अंदर हर जगह से मेरे दोस्त हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हर एक गाँव के अंदर एक छोटी छोटी गौशाला खोलो। इनका निर्माण करने के से पहले आपको 1,00,000 रुपए की व्यवस्था होगी, धीरे धीरे 500-500 1,000-1,000 रुपए चंदा कर 1,00,000 रुपए में निर्माण होगा गौशाला का, होगा। उसके बाद में अपने आप लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतने हैं, लेकिन आगे आने वाला कोई नहीं है, तो आपको वो स्टार्ट तो करो, गाड़ी चालू करो, चलाने वाला अपने आप सीख जाएगा, आप उसको स्टार्ट करो हर गांव में। जितने मेरे दोस्त हैं भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़ के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, चूरू के अंदर, झुंझुनू के अंदर, सीकर के अंदर, जहां जहां भी है, तो वहां सब जगह मैंने हर जिले का नाम नहीं ले पाता हूं कि इतना वक्त ओम जी के पास निकल रहे हैं, तो मैं कहता हूँ हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर तहसील के अंदर, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त हैं, वो सब गौशाला खोलो और लोगों को बताओ कि हम भी अच्छे हैं, हम आप जिस नज़र से देख रहे हो वो इंसान हम नहीं है, किसी को नीचे गिरा के हम खुश नहीं हैं, किसी को बर्बाद करके हम खुश नहीं हैं, ना किसी को बर्बाद करना चाहते,
ना किसी को, हमको कोई नहीं छेड़े ना पहले, तो हम किसी को नहीं छेड़ते हैं, और जो हमें छेड़ेंगे तो हम उसको छोड़ते नहीं है। ये हमारा नियम है, हम गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमें गलत कोशिश कर रहे हैं उसके साथ हम कर रहे हैं। कहाँ रास्ते पे चलने वाले का, सड़क पे चलने वाला का, या ढाबे पे बोलने वाला, दुकान पे कभी हमने कोई 500 रुपये उसके बकाए रखे, या कहीं से कोई गाड़ी छीनी है, या हमने कोई किसी से दुकान से छीना है, या कहीं पानी पता से पैसे नहीं दिए, कहीं कोई शिकायत नहीं है। लेकिन लोग ये ऐसे चल रहे हैं, ये घूम रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों की नेगेटिविटी हो गई कि यार ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, करने से क्या क्या मतलब, ये लोगों का कार्य है उनका, मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो घर बैठे क्या करें, क्योंकि अच्छा कार्य करने उसकी सोच ही भगवान ने उसकी मानसिक स्थिति में, वो दिमाग के अंदर भगवान ने उनकी आज तक अंदर डाला ही नहीं, तो क्या करेंगे, वो बुरा ही करेंगे, उनका कार्य है। तो मैं युवा टीम से निवेदन और कर रहा हूँ इस मंच पे, इस प्रोग्राम में ये नहीं बोलना चाहिए गौशाला में, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि छोटे बच्चे हैं उनसे, मैं छोटे मेरे भाई बहन उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि पढ़ाई का लक्ष्य छोड़ो मत, सिर्फ और सिर्फ रात दिन पढ़ाई की मेहनत करो, पढ़ाई सब कुछ अपनी माँ बाप की, गायों की, जब पढ़ाई करोगे तब सेवा कर पाओगे, नहीं तो नशे की दलदल में फंस जाओगे, और नशा आपको और अपने परिवार को, अपने माँ बाप को और देश को बर्बाद कर देगा। नशे से ये जो इसमें को MD आई है, मैं माँ से निवेदन कर रहा हूँ, मैं बहनों से निवेदन कर रहा हूँ, जिन जिन के भाई, जिन जिन की बेटे ये नशा कर रहे हैं, उनको नशा मुक्ति में डालो, प्रशासन का सहयोग लो पूरा, और जहाँ पुलिस टीम को बोलो ये बुला के उनको 2-4 दिन अंदर रखने की कोशिश करो, नहीं तो संस्था बना रखी है हर जगह पर, संस्था में डालो, गाँव में मुहिम चलाओ, सिर्फ मुहिम चलाने से कुछ नहीं होगा, जिस प्रकार बुजुर्गों का कहना है बुजुर्गों को बुलाओ और उनको बोलो कि हम युवा टीम खुद इकट्ठी हो, खुद करो कि हम आ रहे हैं आपके चरणों में, हमें नशा छोड़ना है, तो इस गांव का, हर गांव का उद्धार अपन खुद को करना पड़ेगा, इस धरती का उद्धार ये युवा टीम ही कर सकती है, अन्यथा बुजुर्गों का अभी कोई कहना नहीं मान रहा है, बुजुर्गों का, बूढ़ों का, माता पिता का कोई कहना नहीं मान रहा है, सब नशे की लत में मर रहे हैं, सब नशे के लत में एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, छोटे मेरे भाई बहनों से, कि एक ही बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के अलावा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। आप पढ़ाई करोगे तो माँ बाप की सेवा कर पाओगे, पढ़ाई करोगे आपकी 2 रुपये की इनकम होगी, 2 रुपये इनकम होगी, आप गाय की, माँ बाप की, गरीबों की सेवा कर पाओगे। और चाहे आप कोई भी विभाग के अंदर हो, चाहे पढ़ाई के अंदर हो, चाहे गौशाला के अंदर हो, चाहे ठेके के अंदर हो, आप अपनी ईमानदारी रखो, अपने अंदर इंसानियत रखो, किसी के पैसे खाने की लालच मत रखो। मैं कहता हूँ, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, एक नाडी है हमारे पास में, तो इस नाडी पे कम से कम 20-30 लाख रुपए लोगों ने उठा लिए, जो सरपंच साहब थे, मैं उस सरपंच साहब से उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग, आप जैसे लोगों ने इस हिरणों के लिए, इस जानवरों के लिए, इस चिड़ियों के लिए, आप लोगों ने पानी की होद बनानी थी गवर्नमेंट से, उन्होंने पैसे उठा लिए और वहाँ दो उस 20-22 लाख का वहाँ लिखे वोट पे, यहाँ 22 लाख का कार्य किया था, वहाँ 1 रुपये का भी कार्य नहीं किया है। कार्य उन्होंने घर पे बंगला बनाया है, अपनी बीबी के लिए गहना लाया है, अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है, ये उन्होंने नाडी के पैसे लेके कमाया। मैं कहता हूँ यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ गायों के, जानवरों के, नाड़ियों के, गायों के पैसे उठा रहे हो। अभी ये जो जैसलमेर के अंदर हुआ था, आपने आपने देखा, आपने सुना होगा, ऐसे भी लोग हैं इन धरती पे, इन लोगों को मैं ना, मेरी अंदर से है ना, उनकी जमीन, उनकी मैं उनके बारे में एक मिनट ही उनके बारे में सोच के बर्बाद नहीं करना चाहता, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे, उनके दोस्त हैं, उनको कहीं जाके बोलिए तुम क्या कर रहे हो रे, तुम क्या कर अपनी माँ के, अपनी गौमाता के पैसे खा रहे हो, ये उनको शर्म आनी चाहिए, हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों को। जिस प्रकार उनके जो अड़ोसी पड़ोसी है, मैं निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों को, अपना अपना कभी अस्तित्व अपने पास बैठने मत दो, ये मक्की है, ये खराब मक्की है, ये बर्बाद कर देगी इस धरती को। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ बार बार कि इस गायों को बचाने के लिए हर कार्य के अंदर, हर गाँव के अंदर छोटी छोटी गौशाला खोलनी पड़ेगी, और जहाँ कोई जिले के अंदर बड़ी गौशाला भी खोलेंगे, जहाँ 2,000, 5,000, 10,000 बड़ी भी गौशाला खोलेंगे, और मैं एक प्रोग्राम रखूँगा, और प्रोग्राम रखूँ तब मेरे पास किसी के मोबाइल नंबर ना हो और कहीं से फ़ोन ना कर पाऊँ, तो मैं जहाँ भी लोग हैं, मेरी जो आवाज़ आज सुनी है, तो 1-1.5 महीने के बाद जब आप सभी से निवेदन है कि आना इसे, मुझे अपने आप, मुझे इतना विश्वास दिलाना कि आप चलो हमारे साथ और धरती पे इसका उद्धार करेंगे, इस पूरी धरती पे आवारी गाय हैं उनकी सेवा करेंगे, आपको आना है, और मैं थोड़ा कार्य मैंने स्टार्ट किया है, जितना मैं कर सकूं। पहले ये तो गायों के लिए छोटा सा, एक चिड़ियों के लिए मैंने एक
पिंजरा बनाया है, उसपे चिड़ियों के लिए जहाँ कोई बिल्ली ऊपर नहीं चढ़ पे, डोगी ऊपर नहीं चढ़ पे, कोई मोर है उनको बचाने के लिए थोड़ा ऊपर लेके बनाया। धीरे धीरे इन ओम जी का और मेरी युवा टीम का सबका सहयोग है, जो आसपास के लोग हैं उनका भी पूरा सहयोग है। ये मेरा अशोक भाई है छोटा, ये रात दिन मेहनत करता है गौशाला के अंदर, इसको एक रुपये का भी लालच नहीं है, न तो ये कोई तनखा लेता है गौशाला में। ये अपने निस्वार्थ भाव से 24 घंटे, आप कभी भी फोन कर दो अशोक जी इस गौशाला में हाजिर रहेंगे, आपको जो भी कार्य होगा गौशाला के लायक, और कभी भी कोई मेरे लायक काम होगा इसको गौशाला के लायक इनको फोन करोगे, अन्यथा गौशाला के अलावा इनका कोई कार्य नहीं है, सिर्फ गायों के लिए इनको मेरा फोन करोगे। ठीक है, मैं आपसे निवेदन, ओम जी के पास ये माइक वापस दे रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये मेरा स्पीच सुना है, और उसके बाद में मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ सबका साथ होगा, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाओ, और हिंदुस्तान वासियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपन सबको मिलके ये मुहिम चलाना पड़ेगा, हर गांव के अंदर गौशाला खोलनी पड़ेगी, जहाँ 500-400 गायों की गौशाला खोलने से एक गांव चला सकता है, गांव के 200-200 रुपये, 300-300 रुपये, 500-500 रुपये चंदा करके महीने के 1-1.5 लाख रुपये का चारा आ जाएगा, इतना ही खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं है, 5-10 हज़ार रुपये में 10-15 हज़ार में एक आदमी रख लेना तो छोटी छोटी गौशाला खोले पूरी गाय का गाँव का उद्धार हो सकता है। इस प्रकार गांव के अंदर विकास होगा, गायों की सेवा करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। जो जो गौशाला खोल रहे हैं, जो जो प्रोग्राम रखे हैं, मैं भगवान से, गौ माता से, बजरंग बली से, गुरुजंबेश्वर भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं उनके लिए कि हमेशा वो सदैव खुश रहे, उनका आशीर्वाद उन पे बना रहे, और ओम जी मुंडेल को बार बार उनको मैं प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैं उनकी भगवान लंबी उम्र दे, और भगवान हमेशा हमेशा उसका साथ दे, मेरे दोस्तों की जो उम्र है मेरी उम्र है ओम जी मुंडेल को लगे, और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा ओम जी मुंडेल पर रहे, और ओम जी इस धरती का उद्धार करेंगे, और ओम जी के मैं साथ में मिलके और इस धरती का, इस गायों को, आवारी गायों को हम बचाएंगे, और आप पूरा, आप हिंदुस्तान वासियों को, राजस्थान वासियों को पूरा सहयोग होगा तभी बचा पाएंगे। इसलिए निवेदन है कि जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान, जय बजरंग बली। बोलिए गौ माता की जय। मित्रों, राज सामांजू ने बहुत अच्छी सुंदर बात बताई, इस दुनिया में आए हो तो मरण, और सबने अपनी अपनी बार ऐसी करनी, कर चल मन थने याद करे संसार, यानी अच्छा काम करो, भगवान की असीम अहेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है, इसका एकमात्र उद्देश्य केवल दुनिया में भगवत प्राप्ति और दान पुण्य में महत्व देना। जब शरीर के निष्प्राण होने के बाद में आत्मा के साथ सुकृत साथ सगाई चले, अर्थात इस धरती पे आके हाथ से दान पुण्य किया है तो पुण्य ही स्वर्ग में साक्षी के रूप में साथ देगा। मित्रों, हिंदू नववर्ष शुभारंभ होने वाला है 2-3 दिनों के अंदर, जो विक्रम संवत बोलते हैं, जिसको 2078 का साल और 2077 का साल अलविदा होने जा रहे हैं, जिसमें कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिला रखा। आज गौ माता की लोगों ने बेसहारा करके रोड पे घूमती फिरती छोड़ी, तभी ये भगवान ने, ऊपर वाले ने परीक्षा ली है, और अभी लोगों के प्रति वापिस सकारात्मक भाव आने शुरू है। जगह जगह हर गाँव में ये जो राजा मांझू बहुत सुंदर बीड़ा उठाया, इन्होंने पिछले